हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग निवेदी, वेलकम टू द क्लास। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे एरेशन एंड एजिटेशन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट एरेशन एंड एजिटेशन। जब हम बायोरिएक्टर में अपना सैंपल डालते हैं तो उसको कितनी मिक्सिंग करानी है, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, ये सबकी रिक्वायरमेंट्स होगी। एरेशन एंड एजिटेशन पढ़ना है। बट उस पे जाने से पहले एक फिर से रिमाइंडर, आपको हमारे ऐप पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और वहाँ पर आपको केसी सर से बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? फॉर दिस जस्ट डाउनलोड द ऐप, गो टू द फ्री एंड यू विल सी दीज फोर टैब्स। ये फ्री वीडियो, फ्री स्टडी मटीरियल, लाइव इंटरैक्शन एंड प्ले विन। तो वेन जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह से सब्जेक्ट्स मिलेंगे। एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस गैट बी एंड आईआईटी जैम लेक्चर्स, यू विल फाइंड द वेरियस सब्जेक्ट्स। प्ले विन एंड लर्न पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये सब सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसमें आपको केसी सर से बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिल रहा है। और जब इस टैब पे क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको पीडीएफ और वीडियो सभी से एक्सेस हो सकता है। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करिए ताकि आप इसका फायदा उठा सके। ओके, तो ये गैट भी आने वाला है, उसके लिए हम आपके लिए बहुत ही फ्री में ऑफर लेके आए हैं। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस और उसका फायदा उठाइए ताकि आप आईआईटी जैम का पेपर क्रैक कर सके। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का, एरेशन एंड एजिटेशन। ओके, तो एरेशन एंड एजिटेशन का क्या मतलब है कि जो अपना बायो प्रोसेस के लिए, अपना जो बायो रिएक्टर है उसके अंदर जो हमें मिक्सिंग करानी है, जो हमें ये सारा मटेरियल मिक्स कराना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, दैट इज एजिटेशन। और यहां पर जो हमें एयर की सप्लाई करनी है या ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, दैट इज एरेशन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एरेशन, इसका मतलब हम एरोबिक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। एजिटेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल सिस्टम, हर तरह के सिस्टम को एजिटेशन की रिक्वायरमेंट हो। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। तो ये एजिटेशन के लिए क्या क्या चाहिए या एजिटेशन
के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, तो ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो हमें फ्लो को मोशन में लाने के लिए चाहिए, उसको टर्बुलेंट बनाने के लिए चाहिए। तो क्या क्या चाहिए हमें इस एजिटेशन के लिए? सबसे पहले देखिए, ऊपर एक मोटर होनी चाहिए, तो एक स्टरर मोटर चाहिए, ठीक है। और ये मोटर क्या करेगी? ये मोटर टॉर्क जनरेट करेगी। दिस मोटर इज गोइंग टू जनरेट टॉर्क। टॉर्क जनरेट होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। और इस ये जो मोटर मूव करेगी, तो उससे ये स्टरर की शाफ्ट जो इस मोटर से जुड़ी हुई है वो मूव करेगी। दैट स्टरर शाफ्ट विल ऑल्सो रोटेट, ओके, बिकॉज ये यहाँ पर अटैच्ड है। नाउ वंस दिस, एक बार ये स्टरर शाफ्ट रोटेट करेगी, तो इस स्टरर शाफ्ट से जो ये इंपेलर जुड़ा हुआ है, जो ये ब्लेड्स जुड़ी हुई हैं, ये भी रोटेट करेगी। तो इंपेलर बोल दीजिए या एजिटेटर ब्लेड्स, एक ही बात, ओके। ये भी मूव करेगी, ये ऐसे घूमेगा गोल, उसके साथ साथ ये भी घूमेंगे ऐसे, जो फर्दर एजिटेशन में हेल्प कराएंगे, ठीक है। तो ये हुए कुछ बेसिक पार्ट, और ये सबसे बाहर है अपना टैंक, जिसके अंदर ये सारा काम होता रहेगा। अब एजिटेशन के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है? एरेशन भी तो पढ़ना है, हवा कैसे डाल रहे हैं। सो फॉर दिस एरेशन वी विल सप्लाई एयर, एंड एयर इज सप्लाइड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पार्जर, और एन इक्विपमेंट कॉल्ड स्पार्जर। स्पार्जर से हम एयर की सप्लाई कराते हैं, तो यहां से ये एयर निकलती है एंड इट गोज अप, और जैसे जैसे इंपेलर घूमेगा उसके साथ ये भी घूमती जाएगी, ठीक है। और देखिए, ये एक टर्म लिखी है बैफल्स। बैफल्स क्या होते हैं? ये रॉड्स होती हैं साइड में, जो इस फ्लो को कराने में हेल्प करती है। कैसे करती है अपन आएंगे, बट ये जो ग्रे कलर से यहाँ आपको दिख रहा है, इसको मैंने रेड से शेड किया है, ये बैफल्स है। और एक चीज जो इसमें नहीं बनी हुई है वो है वाटर जैकेट। जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, दिस इज वॉटर जैकेट। तो इसमें इनलेट होगा और यहां से आउटलेट होगा, इनलेट एंड आउटलेट, ओके। सो दिस इज वॉटर जैकेट। तो ये एक बेसिक असेंबली है, बहुत सिंपल असेंबली किसी भी बायो रिएक्टर की, किस तरह से हम वहां पर मूवमेंट कराते हैं। तो अगर एजिटेशन की बात आती है, तो उसमें हम मोटर, स्टरर, उसकी शाफ्ट, इम्पेलर और बैफल्स की बात करते हैं। और जब एरेशन की बात आती है, तब हम स्पार्जर की बात करते हैं। तो आज के टॉपिक में अगर आप दो पार्ट में उसको डिवाइड करें, तो एरेशन एंड एजिटेशन दो पार्ट में उसको कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बैफल्स। बैफल्स क्या होते हैं? बैफल्स आर बेसिकली सम वर्टिकल मेटल स्ट्रिप्स, वर्टिकल मेटल स्ट्रिप्स, ओके। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि ये इस तरह से अगर बायो रिएक्टर है, तो यहां पर जो इसकी, अज्यूम दिस टू बी अ सिलेंडर, इसकी चार साइड्स होंगी, उनको मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूं,
दीज आर बैफल्स। ओके, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये, सॉरी, कि जब ये इंपेलर घूमता है तो ये रोटेट करता है और उसकी वजह से वॉर्टेक्स बन जाता है। इंपेलर के रोटेट होने की वजह से वॉर्टेक्स क्या बन जाता है? ये इस तरह से इंपेलर है यहाँ पर, उसके रोटेट होने की वजह से वॉर्टेक्स बन जाता है, पूरे में भंवर बोलते हैं उसको, वो बन जाता है। तो व्हाट दिस बैफल डू, ये जो बैफल यहाँ लगा हुआ है, ये वॉर्टेक्स को नहीं बनने देता। अगर बैफल नहीं होंगे तो वॉर्टेक्स बनेगा। बैफल्स इन वॉर्टेक्स को होने से प्रिवेंट करते हैं। तो बैफल्स आर वर्टिकल मेटल स्ट्रिप्स अटैच्ड टू वॉल्स ऑफ बायोरिएक्टर, अटैच टू वॉल्स ऑफ बायोरिएक्टर, और अगर अटैच नहीं है तो दे कैन बी माउंटेड ऑन और अगेंस्ट द वॉल्स। अगर अटैच नहीं है तो उससे अपन जोड़ सकते हैं उसको, उसके ऊपर उसकी माउंटिंग करा सकते हैं। पर्पस क्या है इनका? दे रिड्यूस ग्रॉस वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स को ये कम कर देते हैं, भंवर को कम कर देते हैं। एंड दे असिस्ट इन टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब ये वो फेज है जिसकी वजह से मिक्सिंग हो सकती है, ये वो फेज है जिसकी वजह से मिक्सिंग होती है, तो इट क्रिएट्स टर्बुलेंस। ओके, अब ये जो बैफल्स हैं ये एक दूसरे से यूजुअली 90 डिग्रीज के एंगल पे लगे हुए होते हैं, 90 डिग्रीज टू ईच अदर। तो यूजुअली चार बैफल होते हैं, समटाइम्स कुछ कुछ असेंबलीज में 8 बैफल भी हो सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा विस्कस लिक्विड है तो 8 बैफल भी हो सकते हैं। यानी कि इनकी डिजाइनिंग किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ ब्रॉथ। द डिजाइनिंग डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ ब्रॉथ। ब्रॉथ की विस्कोसिटी कैसी है? कम चाहिए बैफल्स, ज्यादा चाहिए बैफल्स, क्या चाहिए हमें? हम ये सब डिजाइन कर सकते हैं विस्कोसिटी के हिसाब से। हमें वो बैफल बिल्कुल अटैच चाहिए, जैसे ये वॉल है और ये बैफल बिल्कुल अटैच है, ऐसा चाहिए, थोड़ा सा दूर चाहिए, या एक टिल्टेन एंगल पे चाहिए, ये बैफल हमें कैसा चाहिए, ये सब डिसाइड होता है ब्रॉथ की विस्कोसिटी के ऊपर। आई होप सबको समझ में आया ये यहां तक। ओके, सो टू एक्सप्लेन दिस फर्दर आई गॉट दिस डायग्राम्स, मैं ये डायग्राम्स लेके आई हूँ। इसमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग विस्कोसिटी के लिए हम बैफल्स को कैसे रख सकते हैं। सो टू अंडरस्टैंड दिस फिगर, जस्ट ये जो वॉल यहाँ दी है ये बायो रिएक्टर की वॉल है, और उस पे हम ये इस तरह से बैफल को लगा रहे हैं। ये फिगर ऐसे टर्न हो गया है, फिगर हैज बिन टर्न लाइक दिस, बाकी कोई फर्क नहीं, इस फिगर को ऐसे टर्न कर दिया। ठीक है, सो द फर्स्ट वन, दिस फर्स्ट टाइप, इसको हम, ओके निवेदी, थैंक यू। दिस फर्स्ट वन इज यूज्ड फॉर लो विस्कोसिटी ब्रॉथ।
इट इज यूज्ड फॉर लो विस्कोसिटी ब्रॉथ, उनके लिए इसको यूज करते हैं। और लो विस्कोसिटी ब्रॉथ किसको बोलते हैं, जो क्लियर है और जहां पर लेस अमाउंट ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट, जो क्लियर ब्रॉथ है और जहां पर सॉलिड्स का अमाउंट बहुत कम है। तो ये देखिए यहां पर क्या होता है, ये फ्लो आया, ये फ्लो का डायरेक्शन है, फ्लो आता है यहाँ बैफल से टकराता है, बैफल नहीं होता तो वो गोल गोल घूमता रहता, फ्लो बैफल से टकराता है और उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। और जैसे ही वो बैफल से फ्लो आया टकराया, उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, बैफल से टकराकर जब वो आगे जाता है तो यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है एंड एडीज आर जनरेटेड। व्हाट आर दीज एडीज, एडीज क्या है, एडीज जो अपना एक फ्लो चल रहा है उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है। तो छोटे छोटे माइन्यूट स्मॉल स्मॉल सी दीज स्मॉल स्मॉल करंट्स आर जनरेटेड हियर, इस तरह से ओके। तो ये छोटे करंट जनरेट हो जाते हैं, दीज एडीज आर फॉर्म्ड ओके। नाउ दीज एडीज विल फॉर्म इन ऑल द केसेस, यहाँ पे फर्स्ट केस समझाया मैंने आपको, जब फ्लो बहुत कम है, जरा सा भी वो आके टकराया वो अपना डायरेक्शन बदल देगा और इट कैन इजीली गो टर्बुलेंट फेज आ जाएगा। सो दिस इज अ मार्क ऑफ टर्बुलेंट फेज, ये देखिए कैसे सारे पैरेलल हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज लैमिनार फेज। वो बस आराम से फ्लो करता जा रहा है और ऐसे फ्लो होता रहेगा तो मिक्सिंग ही नहीं होगी प्रॉपर। तो मिक्सिंग प्रॉपर करने के लिए टर्बुलेंट फेज होना जरूरी है। तो एक बार टर्बुलेंट फेज आया तो उसके बाद मिक्सिंग प्रॉपर हो सकती है ओके। नाउ द सेकेंड टाइप, दिस सेकेंड टाइप इज यूज्ड फॉर मीडियम विस्कोसिटी ब्रॉथ। ये जो सेकेंड टाइप है इसको हम मीडियम विस्कोसिटी ब्रॉथ, जहां थोड़े से सॉलिड्स प्रेजेंट है, जहां पर सम सॉलिड्स आर प्रेजेंट, थोड़ी सी विस्कोसिटी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए बैफल और टैंक वॉल में हमने एक स्पेस दे दी है एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज क्लियरेंस। इस स्पेस को क्लियरेंस कहते हैं और क्लियरेंस का क्या मतलब है, क्लियरेंस मतलब होता है हाउ फार इज बैफल फ्रॉम टैंक, टैंक वॉल से बैफल कितना दूर है, वो होता है क्लियरेंस ठीक है। तो यहां पर हमने उसको थोड़ा सा दूर कर दिया है तो ये ना सोचे कि वो हवा में लटक रहा है। ये असेंबली कैसे होती है, ये बायोरिएक्टर है और ये जो बैफल की ट्यूब है ये अब हवा में नहीं लटकेगी, ये कुछ पॉइंट से ऐसे जुड़ी हुई रहेगी। तो देखिए मैंने यहां भी कहा था अटैच टू वॉल, वो ये वाला केस हो गया, और माउंटेड ये माउंटिंग वाला केस, उसको हम किसी से जोड़ के रख रहे हैं तो स्पेस आ जाती ओके। तो क्लियरेंस क्या बताता है, वो कितना दूर है बैफल। अब देखिए जब थोड़े बहुत सॉलिड्स प्रेजेंट हैं और ये एकदम ऐसे चिपका हुआ है तो सॉलिड्स यहां पर आकर अटक जाते हैं इस स्पेस में, और सॉलिड जब इस स्पेस में अटक जाएंगे तो हमारी मिक्सिंग का जो पर्पस है वो पूरा नहीं होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम थोड़ा दूर रखते हैं ताकि वो मिक्सिंग होती रहे प्रॉपर। तो यहाँ देखिए इधर से ये जो लैमिनार फ्लो चल रहा था, पैरेलल फ्लो वॉज गोइंग ऑन, ये देखिए डिस्टर्ब हो गया है, पूरी तरह से हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया है और ये पूरा ऐसे ब्रेक हो गया है। ये देखिए कितने सारे एडी करंट्स बन रहे हैं,
ये पूरा इस तरह से ब्रेक हो गया है, यहां पर भी एडी करंट्स आर फॉर्मिंग। ठीक है, सो ये एडी करंट्स फॉर्म हो रहे हैं जिसकी वजह से मिक्सिंग हो सकती है। उसको हमने दूर किया तो यहां पर सॉलिड्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो दिस वाज द सेकंड केस। अब थर्ड केस की तरफ आते हैं। ऑब्वियसली समझ आ ही गया होगा आपको, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाई विस्कोसिटी ब्रॉथ, हाई विस्कोसिटी ब्रॉथ की। अब यहां पर देखिए क्लियरेंस तो है, क्लियरेंस है, लेकिन हमने एक टिल्ट भी दे दिया उसको, उसको टेढ़ा कर दिया है, उसको टिल्ट दिया है। तो जब हाई विस्कोसिटी मतलब जहां बहुत ज्यादा सॉलिड्स प्रेजेंट है, वहां पर हमें क्लियरेंस के साथ साथ टिल्ट भी देना पड़ता है, टिल्ट एट एन टिल्ट भी हमें देना पड़ता है। और ये टिल्ट हेल्प करेगा हमें किसमें, सॉलिड्स ज्यादा हैं तो सिर्फ स्पेस से कुछ नहीं होता, जब उसको ऐसे एंगल पे टिल्ट कर देते हैं हम बायोरिएक्टर के रिस्पेक्ट, वॉल के रिस्पेक्ट में, तो सॉलिड्स आराम से मूव कर पाते हैं। तो यहां पर जो एडीज जनरेट होगी वो देखिए वो इस तरह से होगी, ये एडीज जनरेट हो रही है। तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो हमें क्लियरेंस के साथ साथ टिल्ट भी देना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि लो विस्कोसिटी ब्रॉथ है, हाई विस्कोसिटी ब्रॉथ है और मीडियम विस्कोसिटी ब्रॉथ है, तो बैफल कैसा होगा। लो विस्कोसिटी में बैफल अटैच होगा, हाई मीडियम विस्कोसिटी है उसका कुछ क्लियरेंस होगा, और हाई विस्कोसिटी है तो वो एक टिल्ट के ऊपर भी रहेगा ताकि वो आराम से सॉलिड्स मूव कर सके। सो दिस वॉज अबाउट बैफल्स। अब एक बैफल्स अगर समझ में आ गया है तो एक कुछ टर्म्स करते हैं यहाँ पर हम। एक बायोरिएक्टर में क्या क्या चीजें होती है, वॉट ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन अ बायो रिएक्टर, उसकी जो असेंबली है, उसका जो पूरा वो जो बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या क्या होता है। तो द फर्स्ट थिंग इज CBF, बैफल क्लियरेंस। देखिए वो ये वाला एरिया है जो मैं रेड से बैफल कितनी दूर है वो कहलाता है बैफल क्लियरेंस। एंड सी ये वो है जिससे ये बैफल जुड़ा हुआ है, जैसे अपन लैब में क्लैंप्स लगाते हैं वैसे ही यहाँ पर फिक्स्ड हैं ये क्लैंप्स जिससे ये बैफल अटैच रहता है, माउंटेड ऑन दी वॉल ऑफ दी बायो रिएक्टर, दिस इज बैफल क्लियरेंस। तो ये क्या बताता है, हाउ फार इज द बैफल फ्रॉम द टैंक। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्पेलर क्लियरेंस। ये देखिए इम्पेलर कितनी दूर है टैंक वॉल से। क्लियरेंस वर्ड हमेशा कहीं पर भी आए, ये है ये है, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर चीज टैंक वॉल से कितनी दूर है, दैट इज क्लियरेंस। ओके, तो इम्पेलर कितना दूर है, वो कितना दूर है टैंक की वॉल से, नीचे से उसको बोलते हैं इम्पेलर क्लियर। फिर DI, इम्पेलर का डायामीटर, ये डिस्टेंस DI, वो जो इम्पेलर है ये अपन ने शाफ्ट लगा दी, उसके ऊपर जो ये इम्पेलर है या ये शाफ्ट है, ये इम्पेलर है, इसका पूरा डायामीटर कितना है, दैट इज इम्पेलर। फिर स्पार्जर क्या है, जहां से एयर सप्लाई हो रही है। यस, तो ये जो एयर सप्लाई है, ये जो स्पार्जर है इसका डायामीटर कितना है, बिकॉज इसको एक ऐसी ट्यूब ना समझे, ये 3 डायमेंशन में है, वो ये एक पॉइंट नहीं है, ये भी एक पूरा एक बड़ा एरिया, एक होल हो सकता है, एक बड़ी ट्यूब हो सकती है, अभी करेंगे इसके टाइप्स भी। तो इसका डायामीटर कितना है, फिर देखिए
डायामीटर। और यहां पर हमें इनर डायामीटर की बात करनी है, बिकॉज वहीं पर हमारा रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन बाहर नहीं हो रहा है। तो दिस इज, ये जो इनर पार्ट है ये है टैंक डायामीटर। आपको लग रहा होगा कि क्या फर्क है, एक ही तो बात है, ये तो इतना सही है ना, ये यहां इतना सा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली दे आर क्वाइट थिक वॉल्ड। ओके, नेक्स्ट आता है एच एल। तो ये है एच एल, ये लिक्विड कितनी हाइट पर है टोटल, बिकॉज हमें यहाँ ऊपर कुछ स्पेस रखनी होती है, यहाँ पर कुछ स्पेसेस रखनी होती है, एंड दीज स्पेसेस आर रिक्वायर्ड बिकॉज, कौन बताएगा ये स्पेसेस क्यों चाहिए? यस, ये स्पेस क्यों चाहिए ऊपर? पूरा फुल क्यों नहीं भर देते हैं बायो रिएक्टर को, पूरा डाल दो वॉल्यूम, इतना सारा स्पेस क्यों वेस्ट करना है? सी अंडरस्टैंड दिस, कि ये जो स्पेस है, ये जो यहाँ पर बायो रिएक्टर है, उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, और उसकी वजह से गैसेस जनरेट होंगी, कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, कुछ वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, गैशियस प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो वो अगर उनको स्पेस नहीं मिला तो दिस विल बिकम अ हाई प्रेशर यूनिट, और वो हमारे सेल्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो हमें काफी स्पेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हेड स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, सो स्पेसेस आर रिक्वायर्ड। तो जो लिक्विड है उसकी टोटल हाइट को बोलते हैं एच एल, लिक्विड हाइट। फिर आता है ब्लेड की लेंथ एल बी। ये जो तो अपनी ब्लेड घूम रही है उसकी लेंथ क्या है, ये देखिए, ये रहा एल बी। ये जो अपन ने इम्पेलर लगाया है, इस इम्पेलर पे जो ब्लेड लगाई है उस ब्लेड की लेंथ क्या है, ठीक है, और डब्ल्यू बी है उस ब्लेड की विड्थ क्या है, ये रहा। उस ब्लेड की विड्थ क्या है, दैट इज डब्ल्यू बी। ठीक है, फिर आता है स्पार्जर का सेपरेशन, यानी स्पार्जर इम्पेलर से कितना दूर है, स्पार्जर और इम्पेलर में कितना गैप है, वो कितना दूर है। और लास्ट आता है बैफल विड्थ, बैफल की कितनी विड्थ है, जो कि ये डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस, दिस इज बैफल विड्थ, बैफल की विड्थ कितनी है। ओके, तो दिस इज डब्ल्यू बी है, बैफल की विड्थ कितनी है। नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ है। तो ये जो बैफल की विड्थ है ये कितनी होनी चाहिए, कितना ब्रॉड बैफल ले, कितना चौड़ा बैफल ले, ये डिसाइड किस पर डिपेंड करता है, अपना टैंक कितना बड़ा है, उसका डायामीटर कितना है। तो दिस बैफल विड्थ शुड बी 1/10 to 1/12 ऑफ टैंक डायामीटर, इट शुड बी 1/10 और 1/12 ऑफ टैंक डायामीटर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, कि मान लीजिए जो आपका टैंक डायामीटर है वो सपोज 40 मीटर का है, सपोज, जस्ट टू अज्यूम 40 मीटर है, तो बैफल की विड्थ यानी डब्ल्यू बी एफ किस किस रेंज में होगी, ये क्वेश्चन है। ये बैफल की विड्थ किस रेंज में होगी बताइए,
यस कितनी होगी? बिटवीन 3 to 4. यस करेक्ट, बिटवीन 3 to 4. करेक्ट निवेदी, वेरी गुड. कैसे निकाल सकते हैं इसको हम? 40 को 10 से डिवाइड करिए और 40 को 12 से डिवाइड करिए, तो 4 to 3 meter. वेरी गुड. तो द रेंज शुड बी 3 to 4 meters. इस रेंज में हमारा बैफल डायमीटर होना चाहिए. ठीक है, तो इस पे इजी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ सकता है. तो ये था बैफल्स के बारे में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्पार्जर. अभी हमने पढ़ा था स्पार्जर क्या है. ये वो डिवाइस है जिससे हम एयर की सप्लाई कराते हैं. सो व्हाट इज स्पार्जर? इट इज द डिवाइस यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एयर इनटू लिक्विड मीडिया. एक लिक्विड मीडियम में एयर को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो हम यूज करते हैं डिवाइस, उसको स्पार्जर कहते हैं. ये इसकी जनरल डेफिनेशन हो गई. अगर बायोरिएक्टर के टर्म में बात करें तो ये किसके लिए चाहिए? ये हमें एरेशन के लिए चाहिए, और इसकी वजह से हमारे रिएक्टर में स्मॉल बबल्स बन जाते हैं. और इस स्पार्जर को हम इस तरह बनाते हैं कि हम अपनी इच्छा से उसको कंट्रोल कर सकते हैं. कितनी एयर डालनी है, किस वॉल्यूम से डालनी है. स्मृता, 4 to 8 कैसे आया बेटा? हाउ डिड यू गेट 4 to 8? 40 का 1/10 करिए और 40 का 1/12 करिए. सी, 0 से 0 गया, 4 tens 4 threes और 3 रफली इसी रेंज में आएगा. 3 threes 9, तो 3.333 चलेगा. ओके, यस. 40 अपॉन 12 करिए, 4 tens 40, 4 threes 12, 3 threes 9, सो 3.3333 कुछ चलेगा. सो 3 से 4 मीटर के बीच में आएगा. ओके, चलिए. सो स्पार्जर क्या है? ये डिवाइस है जिससे हम एयर इंट्रोड्यूस करते हैं. ये हमें एरेशन में हेल्प करता है, और इससे स्मॉल बबल्स जनरेट होते हैं, और इन बबल्स के अंदर एयर प्रेजेंट होती है. इसका फायदा ये है कि हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दे आर ऑलवेज माउंटेड ऑन बॉटम. इसको हमेशा नीचे लगाते हैं, बॉटम ऑफ बायो रिएक्टर. इसको हमेशा नीचे लगाते हैं. अभी डायग्राम भी देखे थे आपने, हमेशा स्पार्जर नीचे होता है ताकि जब एयर जाए तो वो उसको मिक्स करती जाए, और मिक्सिंग भी हो जाए और एयर ऊपर ही जाएगी नीचे, और फिर घूमकर जब नीचे आएगी वापस तो और अच्छे से मिक्सिंग पॉसिबल है. ठीक है, तो इस स्पार्जर में क्या होता है? इस स्पार्जर में बेसिकली एक ट्यूब है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, और इन होल्स के थ्रू गैस रिलीज करते हैं हम. गैस जाती है ब्रॉथ के पास और वहां पर एयर की सप्लाई. नाउ दीज स्पार्जर्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप. तो अगर इनके टाइप्स की बात करें तो ये सिंपल पाइप के फॉर्म में हो सकता है, ये एक ट्यूब के फॉर्म में हो सकता है,
ये किसी नोजल के फॉर्म में हो सकता है, ये कोई सिंपल पाइप नहीं होकर कोई परफोरेटेड पाइप हो सकता है, कोई ओरिफिस के फॉर्म में हो सकता है, ये कभी कभी रिंग शेप के भी होते हैं। इतने टाइप के पार्जर्स अवेलेबल है, ठीक है। और एक डिजाइन आती है जिसमें हम मिक्स्ड स्पार्जर एंड इम्पेलर, स्पार्जर और इम्पेलर को मिक्स कर देते, ठीक है, स्पार्जर और इम्पेलर को मिक्स कर देते हैं। तो आप कुछ डिजाइन्स देखेंगे अपन डायग्राम्स के थ्रू, उनको समझेंगे कि वहां पर ये सारे रिएक्शंस या ये स्पार्जर है क्या, बेसिकली कैसे वो कनेक्ट रहता है, कैसे वो एयर की सप्लाई करता है। तो देखिए इस इमेज का जो ये फर्स्ट पार्ट है, मोटर, स्टरर, इम्पेलर, ये सब हमने समझा, इसको और करेंगे अभी, इम्पेलर्स पे आएंगे। अभी अपन ने बैफल्स किया, ये कूलिंग जैकेट है। अब हम बात कर रहे हैं स्पार्जर की, एरेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए ये एयर फिल्टर लगा है। द फर्स्ट रूल ऑफ बायो प्रोसेस इज कि हमें उसको स्टराइल कंडीशंस में रखना है, तो जो एयर अंदर आएगी दैट ऑल्सो हैज टू बी स्टराइल। तो यहां से हम एयर की सप्लाई कराते हैं और उस फिल्टर से, जैसे अपनी लैमिनार पे हिप्पा फिल्टर होते हैं, आई होप सबने लैमिनार एयर फ्लो देखी है, और उस पे हिप्पा फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हिप्पा फिल्टर्स हैं, वैसे ही फिल्टर्स यहाँ होते हैं, तो स्टराइल एयर अंदर आती है और ये इस तरह से देखिए बबल्स बन रहे हैं। दीज बबल्स विल राइज अप और मूव करते जाएंगे। तो जैसे जैसे ये बबल्स मूव करेंगे, क्योंकि ये रोटेट कर रही है, तो ये बबल यहां तो रहेंगे नहीं, लिक्विड मूव करेगा और उस लिक्विड के साथ ये बबल्स भी मूव करेंगे और गैस की सप्लाई सब जगह कराते रहेंगे, ठीक है। तो ये था एक सिंपल स्पार्जर, एक सिंपल ट्यूब के फॉर्म में, बस उसको यहां से डाल दिया। जो नेक्स्ट टाइप का स्पार्जर है, ये देखिए, ये यहाँ पर स्पार्जर है, ये रिंग के फॉर्म में है और इस पे ऐसे बहुत सारे होल्स होंगे और इन सभी से ये एयर सप्लाई करेंगे। और ये जो इनलेट एयर है, इट हैज टू बी स्टराइल। तो या तो यहाँ पर फिल्टर लगा हो या ये ऑलरेडी फिल्टर होकर ही, तो दिस इनलेट एयर कम्स हियर, यहाँ पर होल्स हैं तो ज्यादा एयर की सप्लाई होती है। ट्यूब है सिंपल, इससे अगर आ रहा है तो लिमिटेड सप्लाई होगी। एक इस तरह से पूरी रिंग है, उस रिंग में से सप्लाई होकर आएगी तो वो ज्यादा अच्छी होगी। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिट अ लाइक, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। जो मैंने आपको एक स्पेशल डिजाइन बताई थी, यहां पर देखिए इम्पेलर भी यही है, ये इसकी मोटर है, ये इस इम्पेलर की मोटर है, और इसके साथ जोड़ के देखिए हमने ये ऐसे रिंग के फॉर्म में स्पार्जर को लगा दिया, रिंग के फॉर्म में स्पार्जर को लगा दिया। यहां से हम एयर की फ्लो रेट को कंट्रोल करते हैं। ये यहाँ पे फिल्टर होके एयर आ रही है या फिल्टर्ड एयर को स्टोर किया है एंड द एयर मूव्स इट। तो देखिए इम्पेलर घूमेगा और यहीं पर हमने स्पार्जर लगा रखा है। तो इसका फायदा क्या है, ये जो इम्पेलर यहाँ पर है, यहाँ पर इम्पेलर भी बॉटम माउंटेड है, इम्पेलर इज ऑल्सो बॉटम माउंटेड। तो इससे इम्पेलर की जो शाफ्ट है उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, इम्पेलर के शाफ्ट की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी और ऊपर से काफी स्पेस मिल जाता है हमको, ये हेड स्पेस मिल जाता है, तो
बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज करने के लिए। ओके, तो यहाँ से हम मीडियम डाल रहे हैं, एंटी फोम डाल रहे हैं, ये सब हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, इस डायग्राम को दिखाने का पर्पस सिर्फ आपको एक ये इम्पेलर्स और स्पार्जर का कॉम्बिनेशन नहीं था। आप देखिए एक बायोरिएक्टर में क्या क्या चाहिए, हमें प्रेशर मेंटेन करना है तो वो प्रेशर गेज चाहिए, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ मींस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड फॉर्म में है इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, पीएच कितना मेंटेन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, क्योंकि अगर एरोबिक कंडीशन है और सीओ टू ज्यादा हो गई तो हमारे सेल्स के ऊपर उसका उल्टा असर पड़ सकता है, ठीक है। और जो एयर हम डाल रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन यूज होगी सेल्स में, तो बाकी जो एयर है उसका बाहर तो निकलना चाहिए, तो उसका ये फ्लो मेंटेन करने के लिए वो एयर वहां से बाहर निकलेगी। और देखिए यहाँ पर भी एक पंप जैसा कुछ दिख रहा है, तो यहाँ से हम मीडियम है, एंटी फोम है, ये सब ऐड करेंगे, बिकॉज बेटा जब मिक्सिंग होगी, व्हेन मिक्सिंग टेक्स प्लेस, बहुत सारा झाग बन जाता है, फोम बन जाता है, एंड दैट फोम इज नॉट गुड फॉर बायो रिएक्शन, वो बहुत चीजों को अफेक्ट करता है, तो उस फोम को हटाने के लिए हमें कुछ एंटी फोमिंग एजेंट्स को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सभी में होता है, ये सिर्फ इसमें नहीं है, दिस विल बी फाउंड इवन इन दिस असेंबली, यू कैन सी सी एग्जॉस्ट एयर फिल्टर है और इम्पेलर है, कूलिंग वाटर, ये वाटर जैकेट की बात कर रहे हैं, और बाकी सब भी होगा, बट उसको वहां पर उस फिगर में दिखाया नहीं है, ताकि क्योंकि उनका फोकस था रिंग टाइप स्पार्जर के ऊपर। ओके, सिमिलर हियर उनका फोकस किस पे था, देखिए टेम्परेचर रिकॉर्डर तो यहाँ भी दिया है, कितना पानी, कितना आप टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, बट द फोकस हियर इन दिस फिगर वॉज नॉट ओनली ऑन अ कंबाइंड इम्पेलर एंड स्पार्जर, इट वॉज ऑल्सो टू टेल यू वॉट ऑल पैरामीटर्स हैव टू बी मॉनिटर्ड, एक बायो रिएक्टर में क्या क्या हमें मॉनिटर करना पड़ता है। ओके, चलिए अब आता है स्टरर की शाफ्ट। तो ये जो स्टरर की शाफ्ट है, नॉर्मली हम ऊपर से ही लगाते हैं, देखा भी है हमने, ये मोटर है और इस मोटर पे ये हमारे इंपेलर्स लगे, मोटर टॉर्क जनरेट करेगी, ये है शाफ्ट उसकी और ये है इंपेलर। अगर आप लोगों ने कॉलेज में बायो रिएक्टर डिजाइन किया है प्रोटोटाइप, तो हम कैसे वो पिंस लगा देते हैं, तो दैट वर्क्स एज द इंपेलर, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इस स्टरर शाफ्ट और इंपेलर का काम क्या है, इसका काम है मिक्सिंग एंड एजिटेशन, दोनों मिक्स कराना और जो यूनिफॉर्म हो गया है उसको एजिटेट करना, ताकि मिक्सिंग और अच्छी और अच्छी और अच्छी हो सके। ओके, तो ये जो शाफ्ट है, देखिए बीच ये मोटर है, मोटर के पास में शाफ्ट है और शाफ्ट के पास है इंपेलर। तो ये शाफ्ट क्या करता है, जो टॉर्क है उसको ट्रांसफर करता है मोटर से लेकर इंपेलर। शाफ्ट का काम क्या है, जो मोटर ने टॉर्क जनरेट किया है उसको मोटर से इंपेलर तक ट्रांसफर कराएं। मोस्टली इसको टॉप से ही माउंट करते हैं, बॉटम से होता है जो अपन ने अभी देखा था, तो उसमें शाफ्ट छोटा हो जाता है, ये अपन ने देखा था यहाँ पर इंपेलर बॉटम माउंटेड है, बट मोस्टली टॉप माउंटेड ही मिलता है, तो बाकी सारे पैरामीटर्स भी होंगे। तो ये तो हुई शाफ्ट की बात। अब अगर हम इंपेलर की बात करें, तो इंपेलर का काम है एजिटेशन क्रिएट करना, इंपेलर का काम है एजिटेशन को क्रिएट करना, कितना हम एजिटेट करवा रहे हैं उसको, ठीक है।
अब इंपेलर कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी दी चॉइस ऑफ इंपेलर, कैसा बिकॉज इंपेलर के भी बहुत टाइप होते हैं, जैसे स्पार्जर के बहुत सारे टाइप्स हैं ऐसे ही इंपेलर के भी बहुत टाइप होते हैं। तो जो चॉइस है ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है ऑन विस्कोसिटी ऑफ ब्रॉथ, ये डिपेंड करती है ब्रॉथ की विस्कोसिटी के ऊपर। दूसरी चीज जिस पे डिपेंड करती है कि मेरी करंट की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, मैं कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक करंट चाहते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग करंट रिक्वायरमेंट्स आर देयर। जो मिक्सिंग करानी है उसके लिए, यहाँ करंट मतलब बिजली नहीं है, यहाँ करंट मतलब जो अंदर करंट फ्लो हो रहा है, कितनी करंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इंपेलर को डिजाइन करते हैं। अब विस्कोसिटी की जब बात आ रही है, अपन फर्स्ट स्लाइड से विस्कोसिटी विस्कोसिटी बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके यूनिट्स को भी स्टडी करते हैं। विस्कोसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर पर सेकेंड, या इसको बोलते हैं पास्कल सेकंड, ये इसका एसआई यूनिट है। लेकिन नॉर्मली नॉर्मली हम इसका एसआई यूनिट नहीं यूज करके इसका सीजीएस यूनिट यूज करते हैं और उसको बोलते हैं पॉइस, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज पॉइस। अब रिलेशन क्या है पास्कल सेकंड और पॉइस में, तो 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड। एक पॉइस 0.1 पास्कल सेकेंड के बराबर होता है। इसको नोट कर ले, कन्वर्जेंस ही आ जाते हैं कभी कभी, सिंपल कन्वर्जेंस और कुछ नहीं तो एकदम सिंपल कन्वर्जेंस आ जाते हैं। तो जैसे सपोज आपको दे दिया सपोज 2.5 पॉइस, इसको पास्कल सेकेंड में कन्वर्ट करिए कितना होगा बताइए आंसर। यस निवेदी, करेक्ट, वेरी गुड, ओके। चलिए अब एक पॉइस का छोटा यूनिट भी होता है और उसको बोलते हैं सेंटी पॉइस, सेंटी पॉइस, ठीक है। सो 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटी, 1 पॉइस इज इक्वल्स टू सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, 100 सेंटीपॉइस, और यू कैन से 1 सेंटीपॉइस इज 1/100 पॉइस, और 0.01 1/100 पॉइस, और 0.01। तो पास्कल सेकंड से पॉइस, पॉइस से पास्कल सेकंड, सेंटी पॉइस, ये सब आ सकते, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं, कुछ फिगर्स देखते हैं हम कि किस किस तरह से ये इंपेलर्स डिजाइन होते हैं। तो दीज आर द वेरियस डिजाइन्स ऑफ इंपेलर, ठीक है। तो ये जो पहला है
दिस इज कॉल्ड एज रस्टन टर्बाइन, दिस इज कॉल्ड एज रस्टन टर्बाइन। ओके, ये सिक्स फ्लैट ब्लेड डिस्क है, मतलब छह फ्लैट ब्लेड्स है। अब इसको देखिए, मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई एंड एफ, तो ये भी तो ऐसा ही है। बस यहाँ पर ये ब्लेड्स एक पिच पे आ गई हैं, एक एंगल पे आ गई है। ओके, तो यहाँ पर पिच का क्या मतलब है? पिच का मतलब है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो कितनी टेढ़ी हो गई है। अभी ये सारी ब्लेड्स ऐसी हैं, एक दूसरे से 90-90 पर है, अब ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, देखिए ये अब ऐसे घूमेगी। ओके, सो दीज आर लेस देन 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ईच, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये 90 डिग्री के एंगल से कम है। रस्टन में सब 90 डिग्री पे है, एंड दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा यूज होता है रस्टन टर्म। अब ये दो पार्ट्स में क्यों बनाया है? तो अगर डेंसिटी कम है, अगर विस्कोसिटी कम है, इफ इट इज अ लो विस्कोसिटी ब्रॉथ, यानी कि 1 से 10 to the power of 4 centipoise है, तब तो हम इन फर्स्ट थ्री एबीसी को यूज करते हैं। बट अगर हाई विस्कोसिटी ब्रॉथ है, मतलब वेर इट इज लार्जर देन, सॉरी, लार्जर देन 10 to the power of 4 centipoise और 10 to the power of 5 centipoise, मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है, तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको मिलाने के लिए। तो देन वी यूज इधर एंकर, गेट एंकर और हेलिकल, इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते। तो द डिजाइन ऑफ इम्पेलर विल डिपेंड अपॉन दी विस्कोसिटी। सबसे ज्यादा जो असर करता है वो है इसकी, अपने फ्लूइड की विस्कोसिटी। ओके, चलिए ये समझ आ गया। तो अब आगे चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ, कि पावर रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। यहाँ पावर का मतलब है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, कितनी बिजली चाहिएगी, विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि जो बायो प्रोसेस कर रहा है वो पूरी एक इंडस्ट्री लेकर बैठा है, उसको केवल लैब में काम नहीं करना है, तो उस इंडस्ट्री के लिए उसको पता होना चाहिए बिजली का खर्चा कितना आएगा मेरा। तो हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू एजिटेट द ब्रॉथ, ब्रॉथ को एजिटेट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, जो पावर है उसका यूनिट होता है वॉट, और पावर होता है 1 joule upon 1 second, एनर्जी पर यूनिट टाइम ही तो होता है। तो ये हमें क्या बताता है? एनर्जी। तो अगर हमें पावर पता है तो हम एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम जूल की बात करें तो एनर्जी क्या होता है, या एनर्जी बोल दीजिए या वर्क डन बोल दीजिए, दिस इज फोर्स, कितना लगाना पड़ा, कितने एरिया पे कितना फोर्स, या कितना फोर्स लगाया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस टर्म में भी आ सकता है। देखिए हम रिलेट कर रहे हैं, टॉर्क्स तक आए थे हम, टॉर्क से अब हम पावर पे आ गए, सडनली पावर से एनर्जी पे आए, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटिव है। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मैं इस ई की या वर्क की बात करूं, तो इसको हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से बता सकते हैं, और ये भी तो जूल में ही आता है अगर हम वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो
यूनिट्स का ध्यान रखना सॉल्व करते वक्त, अगर न्यूमेरिकल्स है तो, कि कितना दिया है, जूल में दिया है, वॉट में दिया है, किलो वॉट में दिया है, ऑन टाइम सेकेंड्स में दिया है। अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप जूल, न्यूटन, फोर्स न्यूटन में लिखा है, मास केजी में लिखा है, टाइम सेकेंड्स में है, तभी, अदरवाइज आपको उसको सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा गलती जो हम करते हैं वो है हम न्यूमेरिकल्स पे ध्यान नहीं देते। न्यूमेरिकल्स में जो कन्वर्जन्स हैं बस उनका आप ध्यान रखिए, देखिए कौन किससे कैसे लिंक्ड है, तो आप आराम से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो पावर रिक्वायरमेंट्स मतलब हमें कितना पावर देना पड़ेगा। ओके, तो अगर अब हम एक साथ जब हम स्टडी करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी करें, हम सब चीजें एक साथ नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि हम एरेशन को भी अभी स्टडी कर लें, हम एजिटेशन को भी अभी स्टडी कर लें, दिस बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। ओके, सो हम एक बार में एक चीज को स्टडी कर रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नॉन एरेटेड फ्लूइड्स की, हम बात कर रहे हैं जिसमें हम केवल मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, कितना उसके अंदर पावर रिक्वायर्ड होगा। तो उसको डिनोट करने के लिए एक नंबर है जिसको पावर नंबर या न्यूटन्स नंबर कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है न्यूटन नंबर या पावर नंबर, एन नीचे पी आएगा, दिस इज पी अपॉन रो एन आई क्यूब, सॉरी क्यूब एंड डी आई, ये है इक्वेशन। तो ये पावर नंबर है, पावर नंबर दिया है और पावर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एन पी इंटू रो इंटू एन आई क्यूब, इंटू डी आई टू द पावर ऑफ। अब ये सब है क्या, पी तो हो गया पावर रिक्वायर्ड फॉर एजिटेशन, पावर है तो उसकी यूनिट आएगी वॉट में या किलो वॉट, उसको कन्वर्ट कर ले। अगर हम एन पी की बात करते हैं तो एन पी तो ये है ही है, न्यूटन्स नंबर, एंड दिस इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, ये सिर्फ नंबर है। ओके, ये सिर्फ नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज जस्ट अ नंबर। फिर रो की बात करते हैं तो रो है डेंसिटी, किसकी, अपने ब्रॉथ की डेंसिटी, और डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट रहेगा। कुछ भी और यूनिट हो तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, और एन आई क्या है, ये तो हमने देखा ही नहीं अभी तक। एन आई क्या होता है, एन आई होता है इम्पेलर की फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है इम्पेलर 1 सेकेंड में कितने चक्कर काटता है। ओके, सो दिस इज रोटेशंस पर सेकेंड, जिसको आरपीएस बोलते हैं, क्योंकि पर सेकेंड है तो यूनिट इसका सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि ये यूजुअली हमको आरपीएम में दिया होता है, जैसे 60 आरपीएम है या 180 आरपीएम है, तो उसको पहले आपको 60 से डिवाइड करके पर सेकंड में आंसर, ठीक है, और फिर आता है डी आई। डी आई तो हमने देखा था एक स्लाइड में, ये है इंपेलर का डायामीटर। और ये मीटर्स में मेजर हो, इट विल बी मेजर्ड इन
मीटर्स। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड पावर नंबर, और इफ पावर नंबर इज गिवन वी कैन फाइंड कितना पावर रिक्वायर्ड होगा, इतना डेंसिटी है ब्रॉथ का, इतनी बड़ी हमारा वो इम्पेलर है, इतना डायामीटर है, कितना पावर चाहिएगा हमें ये सब को अच्छे से मिक्स करने के लिए। अब पता कैसे चले ये यार इतना चाहिए, तो इसके लिए हम करते हैं साइम्यूलेशन या सिम्युलेशंस, ट्रायल एंड एरर मेथड से पता करते हैं कि कितना पावर चाहिएगा या पावर नंबर कितना होना चाहिए। अब देखिए जो अपना खुद का ब्रॉथ है उसके साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, उसको कैसे चेंज करें, या मान लो कल्चर डाल दिया, अब देखना है कि कितना पावर चाहिएगा, ऐसे थोड़ी इंडस्ट्री रन करती है। ये सब हमें पहले से ही स्टैंडर्डाइज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा लिक्विड यूज करते हैं जिसकी डेंसिटी अपने ब्रॉथ के जैसी हो, जिसकी डेंसिटी बिल्कुल अपने ब्रॉथ के जैसी हो। तो अ लिक्विड हूज डेंसिटी और विस्कोसिटी इज सिमिलर टू आर ब्रॉथ, जो अपना ब्रॉथ है उसके जैसा ही हो। तो यहां पर अजम्पशन ये है कि जो अपने ब्रॉथ के जैसा ही होगा उसकी उसको भी उतनी ही पावर चाहिएगी, उतनी ही एनर्जी चाहिएगी, या यहाँ पर ब्रॉथ का मतलब है सेल्स के साथ में, तो उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसको करते हैं, उस पर ट्रायल एरर कर लेते हैं, और फिर जो अपना ब्रॉथ है उसको बायोरिएक्टर में डालकर उसके ऊपर करके देखते हैं कि मिक्सिंग कितने अच्छे से हो पा रही है। तो दिस इज द मेथड कि हम कैसे ये पावर नंबर कैलकुलेट। अब कुछ एक टर्म्स आती हैं जिन पे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पहली है इम्पेलर टिप स्पीड, इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, पाई इंटू एन आई इंटू डी आई, स्पीड है तो मीटर्स पर सेकंड में आएगी, मतलब जो अपना इम्पेलर है उसके टिप की, उसके एज की कितनी स्पीड है, इसको बोलते हैं इम्पेलर टिप स्पीड। ओके अब अगला आता है, तो यहाँ पर एन आई और डी आई क्या है, सेम जो यहाँ थे, फ्रीक्वेंसी एंड डायामीटर। तो एन आई हो गई इम्पेलर की फ्रीक्वेंसी और डी आई हो गई उसका पूरा डायामीटर, फ्रीक्वेंसी विल बी इन पर सेकेंड, डायामीटर इज इन मीटर, तो अपने आप मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ जाता है कि इस इम्पेलर की पंपिंग कैपेसिटी कितनी होती है, कितना वो पंप, यहाँ पंप मतलब कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई पंप नहीं है इम्पेलर, बट पंपिंग कैपेसिटी मतलब जब वो इम्पेलर घूम रहा है तो वो कितने वाटर को या कितने ब्रॉथ को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पंपिंग कैपेसिटी, कि वो कितने सारे ब्रॉथ को डिस्प्लेस करवा पा रहा है, वो होता है उसकी पंपिंग कैपेसिटी। ओके सो पंपिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, द वॉल्यूम ऑफ ब्रॉथ, द वॉल्यूम ऑफ ब्रॉथ, हम पंप बोलते हैं बट यहां पर पंप वर्ड सही नहीं है, यहां पर वर्ड होता है मूव्ड या डिस्प्लेस्ड। ये बिल्कुल वैसे है जब हम नाव में चप्पू चला रहे हैं तो कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं वो चप्पू, कितना वाटर, द ओर्स आर डिस्प्लेसिंग हाउ मच वाटर। ओके तो द वॉल्यूम ऑफ ब्रॉथ मूव्ड और डिस्प्लेस्ड बाय द इम्पेलर, कितना वो डिस्प्लेस करता है, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्लो नंबर को यूज करते हैं जिसको एफ एल से डिनोट। अब ये फ्लो नंबर क्या है, फ्लो नंबर बताता है पंपिंग कैपेसिटी, अगेन ये एक नंबर है
इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ये क्या बताता है? ये बताता है हाउ मच, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ अगर ये इंपेलर स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्लूइड द इंपेलर इज पुशिंग, कितना फ्लूइड ये इंपेलर पुश कर रहा है। ओके, ये मतलब होता है इसका, कितना फ्लूइड ये इंपेलर पुश कर रहा है। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला है एफ एल इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एन आई डी आई क्यू, एन आई डी आई क्यू। क्यू क्या है? क्यू है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आपके आईआईटी जैम में गैट बी में तो केवल फ्लो नंबर की डेफिनेशन या फॉर्मूला आता है, बट यू शुड नो कि उस फॉर्मूले में क्यू क्या है। एन आई डी आई हमको पता है, बट क्यू है क्या ये मालूम होना चाहिए। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड लीविंग द इम्पेलर ब्लेड, इम्पेलर की ब्लेड से जो हट जाता है। अब इट इज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, तो वॉल्यूमेट्रिक यानी कि मीटर क्यूब, फ्लो रेट यानी कि पर सेकेंड। अब हमें तो लीटर में पता है, तो हम क्या करें? कन्वर्जन के लिए याद रखें, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 liters, 1 meter cube is 1000 liters। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स। ये क्यू का है रिमेम्बर, ये एफ एल का नहीं है। एफ एल तो यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, इट इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, तो ये थी बेटा आज की क्लास। इसमें हमने पढ़ा कि हमको एजिटेशन और एरेशन के लिए क्या क्या चाहिए, और पावर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, स्पार्जर क्या है, बैफल क्या है, इंपेलर किसको बोलते हैं, शाफ्ट क्या है, मोटर क्या करती है, ये सारा पढ़ा हमने। और फिर पीछे कुछ हमने न्यूमेरिकल्स को देखा कि क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा सा हमने ये पढ़ा कि पावर कितना चाहिए, एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी। अब इस पे छोटा सा कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, एंड दीज आर वेरी सिंपल। जैसे इंपेलर टिप स्पीड है, तो पाई से फ्रीक्वेंसी और डायमीटर को मल्टीप्लाई करना है। बस यूनिट्स का ध्यान रखें, जैसे ये पर सेकेंड में है और ये मीटर में है। ऐसे ही अगर फ्लो नंबर निकालना है या पंपिंग कैपेसिटी निकालनी है, तो उसको फ्लो नंबर से ही एक्सप्रेस करते हैं, और वो भी बहुत सिंपल है। अगर आपको फ्लो रेट दे दी है, डायमीटर पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, सिंपल फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कहीं नहीं। ठीक है, जो सबसे बड़ा एक ही फॉर्मूला है जिसको हो सकता है याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, और वो है न्यूटन्स नंबर। बट इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूटन नंबर होता क्या है और इसको कब यूज करते हैं, नॉन एरेटेड फ्लूइड्स में इसको यूज कर रहे हैं, और न्यूटन नंबर से हम पावर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये आज का लेक्चर था एरेशन और एजिटेशन पे। अगर किसी को कोई डाउट है तो द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, यू कैन आस्क योर डाउट्स।
तो अगर डाउट्स नहीं है तो सेशन को आज एंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे रियोलॉजी ऑफ फर्मेंटेशन फ्लूइड्स। ठीक है, तो कल का लेक्चर 11 बजे है। क्लियर निवेदी? ओके, थैंक यू सो मच। सो कल पढ़ेंगे रियोलॉजी सेम टाइम 11 AM, तो अटेंड करना है सेम चैनल पे। थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग। टेक केयर एवरीबॉडी। सी यू ऑल टुमारो एट दी सेम टाइम। कल 11 बजे आपसे मिलते हैं, सेम चैनल सेम टाइम। लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए, उनको बोलिए कि उसके उनके साथ इसको शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। जो और ये एग्जाम दे रहे हैं उन सबको इसका फायदा हो सके पढ़ाई का। ठीक है, सो थैंक यू अगेन एंड हैप्पी लर्निंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू।